अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल यह है कि 5 वक्त का जो नमाज है उसमें से कोई शख्स 2 वक्त का पढ़े और 3 वक्त का छोड़ दे तो क्या यह सही है, जायज़ है या फिर इसमें कोई ऑब्जेक्शन है। दूसरा, जो शख्स नमाज पढ़ा है और फिर बीच में छोड़ दे और फिर पढ़े फिर छोड़ दे तो क्या यह सही अमल है। एक भाई साहब ने कहा है कि अगर कोई कुछ वक्त की नमाज़ पढ़ता है कुछ की नहीं पढ़ता है तो क्या सही है। तो देखिए, इसमें कुछ सही भी है कुछ गलत भी है। तो जो नमाज़ें पढ़ रहा है वो सही है और जो नमाज़ें छोड़ रहा है वो गलत है। ज़रा इस बात पे तवज्जो दीजिएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में कि अगर कोई आदमी 1-2 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है और कुछ वक्त की छोड़ रहा है तो वो ये इस कोशिश में लगे रहते हैं कि पूरी छोड़ दे, या तो पूरी पढ़े या तो पूरी छोड़ दे। ऐसा नहीं है। अगर एक आदमी 2-3 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है और कुछ वक्त की नमाज़ गुल कर रहा है तो आप उसके पीछे पड़ जाएंगे कि जो पढ़ रहा है वो भी छोड़ दे? नहीं, जो छोड़ रहा है उसे पढ़वाने की कोशिश कीजिए, लेकिन जो पढ़ रहा है उसको छोड़वाने की कोशिश मत कीजिए। ये बहुत गलत तरीका होता है। कुछ लोगों को अपनी नमाज पर इतना घमंड और इतना गुरूर होता है कि बेचारा कोई सुधरना भी चाहे तो इनकी खातिर नहीं सुधर पाता है। हमारे मस्जिदों में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर कोई आदमी नमाज शुरू करता है और मस्जिद आने लगता है तो उसको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं कि मस्जिद में मेहमान आ गया, ये नए नए लोग आ गए। ये इंतहाई निकम्मे लोग होते हैं जिन्हें अपनी नमाज पर बड़ा गुरूर होता है। तो लोगों से प्यार मोहब्बत के साथ पेश आइए। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है 3 वक्त की, 2 वक्त की नहीं पढ़ रहा है तो आप कोशिश करें कि वो जो 2 वक्त की नहीं पढ़ रहा है वो भी पढ़ने लगे। आप कोई ऐसी हरकत मत कीजिए कि जो पढ़ रहा है वो भी छोड़ के बैठ जाए। तो ये जो आपका सवाल है इसमें कोई शक नहीं है कि वो कुछ नमाजें छोड़ के गलती कर रहा है, लेकिन हम ये कहें कि जो पढ़ रहा है वो भी गलत कर रहा है तो ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते आप। तो आपने जो नक्शा खींचा है उसमें एक आदमी सही भी कर रहा है गलत भी कर रहा है। कुछ नमाजें पढ़ रहा है वो सही कर रहा है और जो छोड़ रहा है वो गलती कर रहा है। इस टोटल अमल को गलत नहीं बोल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जो 2 पढ़ रहा है वो भी गलत कर रहा है। इसका अंजाम ये होता है कि वो आदमी जो पढ़ रहा है ना वो भी छोड़ के बैठ जाता है। और आपने जो दूसरा सवाल उठाया है कि एक आदमी कुछ दिन नमाज पढ़ता है फिर छोड़ देता है, फिर कुछ दिन पढ़ता है छोड़ देता है, यहाँ भी वही मसला है कि जब जब पढ़ रहा है वो सही कर रहा है और जब जब छोड़ रहा है वो गलत कर रहा है। अब ऐसे आदमी के पीछे पड़ के ये कहना कि तू या तो पढ़ या तो छोड़ दे, ये बहुत गलत बात है। कुछ लोग इस तरह की भी दाई पाए जाते हैं समाज में कि जो किसी से कुछ करवा नहीं पाते हैं तो जो कुछ वो बंदा टूटा फूटा कर रहा है वो भी छोड़वा देते हैं। ये बहुत गलत हरकत है। तो एक आदमी अगर छोड़ छोड़ के नमाज पढ़ रहा है तो आप कोशिश करें, आप मेहनत करें कि ये आदमी नागा ना करे, मुस्तकिल नमाजी बन जाए। लेकिन आप एक ऐसी हरकत करें कि ये जो थोड़ा बहुत पढ़ रहा था वो भी छोड़ के बैठ जाए, ये बहुत गलत काम है। ऐसे लोगों को दावत के मैदान में नहीं आना चाहिए, ऐसे लोगों को हमदर्दी नहीं दिखाना चाहिए। जो चुपचाप अपने समझ में आ रहा है वो बैठ के घर में करते रहना चाहिए, लेकिन दूसरों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप दूसरों के पीछे पड़ रहे हैं, सुधारना चाहते हैं, तो जो नेकियां कर रहे हैं उनकी बका के साथ, उनके एहतराम के साथ, जो चूक उनसे हो रही है उसको आप सुधारिए और उनको खैर की तरफ लाइए। ना ये कि जो थोड़ा बहुत उनसे हो पा रहा है वो भी उनसे छुड़वा दें, ये तरीका सही नहीं है। उम्मीद है कि बातें आपके लिए वाज़ेह हो गई। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।